हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है नाबार्ड के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। इसके लिए आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन, तो जानते हैं क्या है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें आपसे जो पोस्ट रिक्रूटमेंट की गई है वो है आपके असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं इस फॉर्म को 10 मई से 26 मई 2019 के दौरान। और इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इसका वीडियो भी जल्दी ही अपलोड आपका कर दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले जो प्री एग्जाम है इसका 15 या 16 जून 2019 को कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको टेंटेटिव वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जो कि आपके कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइड की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 79 पोस्ट आपकी यहां पर रहेंगी। एट द रेट यहां पर लगा हुआ है 79 से पहले, तो यहां पर आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि एट द रेट का क्या मतलब है। जहां पर स्टार है या फिर हैश है, उसकी भी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन जो कैंडिडेट हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए रिजर्वेशन भी आपको यहां पर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी एलडीटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पर देखिए जो आपकी एज है वो आपकी 1/5/2019 को काउंट होने वाली है, या फिर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी इसी टाइम ही काउंट होगी। तो आपका जो रिजल्ट है फाइनल टर्म्स का या सेमेस्टर का या ईयर का, वो तब तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए 1 मई 2019 तक। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर जो आपकी एलडीटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर देखिए आपके जो पोस्ट है, जो डिसिप्लिन है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो आपकी एलडीटी है वो देखने को मिलती है। तो आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, या आपके पास पीजी डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, या फिर आपने एमबीए कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास डिग्री है या पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस से आपने की है या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए या पीजी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज यहां पर जनरल ओबीसी जो है यहां पर 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 45% यहां पर रखी गई है, तो वो आप यहां पर उसकी डिटेल को भी चेकआउट कर सकते हैं। सीजीपीए या फिर आपका ओजीपीए या सीपीए या आपका 10 पॉइंट स्किल जो भी आपका है, उसकी डिटेल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल रखा गया है, 1/5/2019 को आपका ये भी काउंट होगा। पर यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको जो अपर एज में छूट मिलती है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो फेस फर्स्ट जो है आपका प्री एग्जाम है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। तो किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपको डिटेल यहां पर दी गई है। इसके बाद फेस टू जो है मेन एग्जामिनेशन है, जिसमें आपके पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल इंग्लिश का है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि आपको कंप्यूटर मीन कीबोर्ड के माध्यम से देना है। पेपर टू जो है वो एमसीक्यू लेवल का है। इसके बाद फेस थ्री जो है आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद ही आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर टोटल सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस भी आप इसका चेकआउट कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो ₹800 जनरल ओबीसी फीस आपकी यहां पर रखी गई है। एससी एसटी की बात करें तो ₹150 फीस आपको यहां पर देनी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसकी फुल डिटेल को आप वहां पर चेक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही इसका हम वीडियो कंप्लीट कर लेंगे वो भी हम जल्दी ही वहां पर अपडेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने बात की लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।